ये जो इमेज आप देख रहे हो ये स्टार्स नहीं है बल्कि एक गैलेक्सी है जिसमें करोड़ों तारे हैं। और क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से डायमंड से बना हुआ है। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे यूनिवर्स के कुछ अतरंगी फैक्ट। क्या आपको पता है मून जो कि हमारी अर्थ से 384,000 किलोमीटर दूर है, उतना डिस्टेंस अगर हम चल के क्रॉस करना चाहें तो हमें 9 साल का समय लगेगा। नंबर 2, क्या आपको पता है हमारा सन मून से 400 टाइम्स बड़ा है, लेकिन सन अर्थ से एग्जैक्टली 400 टाइम्स दूर होने की वजह से हमें सन और मून दोनों एक ही साइज के नजर आते हैं और इसी की वजह से हमें टोटल 16 इक्लिप्स देखने मिलता है। नंबर 3, अर्थ से 30 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है जिसका नाम है ग्लीस 436b। ये प्लैनेट लियो कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, लेकिन इस प्लैनेट की एक अजीब बात यह है कि ये प्लैनेट पूरी तरह से बर्फ का बना हुआ है। अब आप कहोगे इसमें क्या अजीब है भाई, पर दरअसल प्लैनेट मर्क्यूरी जो कि सन का सबसे करीबी प्लैनेट है, ग्लीस प्लैनेट उससे 15 टाइम्स ज्यादा करीब है अपने स्टार से और वहां का टेम्परेचर है 439 डिग्री सेल्सियस। और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे भी इस प्लैनेट की आइस मेल्ट नहीं होती बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे इस प्लैनेट की पानी की बूंदे कंप्रेस हो जाती है और मेल्ट ही नहीं हो पाती। इसे आप गर्म बर्फ का प्लैनेट भी कह सकते हो। सच में यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, 55 कैंक्री ई एक ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी को भी करोड़पति बना सकता है। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो अब आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि ये प्लैनेट पूरी तरह से डायमंड से बना हुआ है, या फिर ये पूरा प्लैनेट ही एक डायमंड है। जी हाँ, आर यू कॉमेडी मी। इस प्लैनेट पे बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है और इस प्लैनेट की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का कार्बन कंप्रेस हो जाता है और डायमंड बन जाता है। हालांकि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बस 40 लाइट ईयर्स दूर तक ट्रैवल करना होगा। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 5, HD 189773b, ये प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट से बस थोड़ा सा बड़ा है और अर्थ से 62 लाइट ईयर्स दूर है। ये प्लैनेट दूर से दिखने में एक शांत और खूबसूरत नीले रंग का दिखता है, लेकिन इसकी खूबसूरती पे मत जाना, यहाँ अंदर की बात कुछ और ही है। यहाँ पे हवा 8690 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलती है, यानी साउंड की स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेज, और यहाँ का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस है। और ये प्लैनेट सिलिकेट पार्टिकल से कवर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर कांच की बारिश होती है। ये यूनिवर्स बड़ी अजीब जगह है यार, कहीं डायमंड का प्लैनेट है, कहीं कांच की बारिश होती है, पता नहीं आगे क्या देखने मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। नंबर 6, स्पेस में एक अजीब सी जगह है जिसे द जायंट वॉइड के नाम से जाना जाता है। ये कोई ब्लैक होल नहीं है, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस वॉइड के थ्रू लाइट पास होती है। दरअसल ये एक ऐसा वॉइड है जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी लिटरली कुछ भी नहीं। अब आप ये कहोगे कि स्पेस तो एक बहुत बड़ी खाली जगह ही तो है, लेकिन जैसे कि हमारे आसपास कई प्लैनेट्स हैं, हालांकि वो हमसे कई करोड़ किलोमीटर या फिर कई लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो, लेकिन इस वॉइड में बात कुछ अलग ही है। इस वॉइड की साइज सुन के आप शॉक हो जाओगे। इस खाली जगह का डायामीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स का है, यानी अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे जो कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तब भी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 1.3 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। नंबर 7, ब्लैक होल्स के बारे में तो हर कोई जानता है और रिसेंटली साइंटिस्ट ने इसके रियल इमेज भी पब्लिश की थी। ब्लैक होल्स का मास काफी ज्यादा होता है, पर क्या आपको पता है अब तक का सबसे बड़ा वाला ब्लैक होल कौन सा है? इसका नाम है टॉन 618 ब्लैक होल, और ये अब तक का हमें पता चलने वाला सबसे बड़ा ब्लैक होल है, जहां बाकी ब्लैक होल्स का मास यानी वजन 100 या फिर 1000 सन्स के बराबर होता है, वही टॉन 618 का वजन एक गैलेक्सी के बराबर है, जिसमें अलग अलग साइज के अरबों तारे होते हैं, और इस ब्लैक होल की डायामीटर 390 बिलियन किलोमीटर जितनी मानी जाती है। नंबर 8, क्या आपको पता है ब्लैक होल्स तब फॉर्म होते हैं जब किसी स्टार का कोर इन्फिनेट लेवल पे क्रश होता है, यानी कंप्रेस किया जाता है। तो अगर हमें हमारी अर्थ को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है, तो हमें अर्थ को एक मटर के दाने जितना छोटा करना पड़ेगा। नंबर 9,
क्या आपको पता है जैसे हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हमारी पूरी सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाती है। और इस वक्त भी हमारी सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। हालांकि ये स्पीड बहुत ज्यादा है, फिर भी हमें मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक चक्कर लगाने के लिए 23 करोड़ साल का समय लगता है। नंबर 10, इस इमेज के अंदर जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं वो एक स्टार नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है। हमारी अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है। तो आप सोच ही सकते हो कि इस इमेज में कितने सारे स्टार्स होंगे। नंबर 11, अब बात करते हैं एक अजब गजब न्यूट्रॉन स्टार की, जिसको आप यूनिवर्स का अजूबा भी कह सकते हो, क्योंकि ये स्टार सच में काफी यूनिक किस्म का है। ये स्टार बहुत ज्यादा डेंस होता है, जहां इस स्टार की साइज एक बड़ी सिटी जितनी होती है और मास हमारे सन के बराबर होता है। और इस स्टार का ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स अर्थ के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा है। ये फोर्स इतना ज्यादा है कि इस स्टार पे जाने वाला हर 3D ऑब्जेक्ट पेपर जितना फ्लैट हो जाता है। इतना ही नहीं, इसकी एक चम्मच मिट्टी का वजन 900 पिरामिड्स जितना होता है। और ये न्यूट्रॉन स्टार काफी फास्ट रोटेट करता है, जो है 716 राउंड्स पर सेकंड और 42,244 राउंड्स पर मिनट। नंबर 12, क्या आपको पता है सैजिटेरियस बी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के नजदीक है और अर्थ के 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। और इस क्लाउड की खास बात ये है कि ये पूरी तरह से अल्कोहल से बना हुआ है, यानी इसके अंदर 10 बिलियन 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 लीटर्स अल्कोहल है। ये तो काफी ज्यादा अल्कोहल हो गया यार। नंबर 13, वीनस प्लैनेट हमारी सोलर सिस्टम का सेकंड नंबर का प्लैनेट है और साथ ही पूरी सोलर सिस्टम का स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। इस प्लैनेट की खास बात ये है कि ये इतना ज्यादा स्लो है कि ये सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने से ज्यादा समय इसके खुद के अराउंड रोटेट करने में लगाता है, यानी कि इस प्लैनेट का एक दिन एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। नंबर 14, साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक एस्टेरॉयड ढूंढ निकाला है जिसका नाम है 16 साइक। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एस्टेरॉयड पूरी तरह से आयरन और निकल से बना हुआ है और ये भी माना जाता है कि इस एस्टेरॉयड का कोर सॉलिड गोल्ड से बना है। इस गोल्ड की टोटल कॉस्ट 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर जितनी मानी जाती है। नंबर 15, एवेंजर्स एंडगेम में हमने ये देखा था कि मल्टीपल रियलिटीज और टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये हुआ फिक्शनल वर्ल्ड में, पर क्या ये सब रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, साइंटिस्ट का ये मानना है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस और रियलिटीज सच में एग्जिस्ट करती है और हमारा यूनिवर्स भी इस मल्टी यूनिवर्स में से ही एक है। नंबर 16, मून पे जाना कई लोगों का ड्रीम है, लेकिन आज तक सिर्फ 12 लोग ही मून पर गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन सभी लोगों के फुटप्रिंट्स मून पर अगले 10 करोड़ सालों तक रहेंगे, क्योंकि मून पर हवा नहीं चलती, जिसकी वजह से आज तक जितने भी लोगों के फुटप्रिंट्स हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। नंबर 17, सैटर्न प्लैनेट के रिंग्स हम सबको पता है और वो दिखने में काफी सुंदर भी दिखते हैं। ये रिंग्स साइज में काफी बड़े होते हैं, जिनकी विड्थ प्लैनेट से लेकर उनके आखिरी एंड तक 2,82,000 किलोमीटर जितनी है। जहाँ अब तक हमने ये देखा है कि यूनिवर्स की सब चीजें साइज में लाखों करोड़ों गुना बड़ी होती है, वही सैटर्न के ये रिंग्स जो कि इतने बड़े हैं, उनकी हाइट सिर्फ 30 फीट है, यानी कि 10 मीटर जितनी है। जी हाँ, सैटर्न के इन विशालकाय रिंग्स की विड्थ भले ही लाखों किलोमीटर की क्यों ना हो, लेकिन इनकी हाइट बस 10 मीटर जितनी है। ये तो काफी स्ट्रेंज है यार। नंबर 18, आज तक साइंटिस्ट को इतना रिसर्च करने के बाद भी अर्थ के अलावा किसी और जगह पर लाइफ होने का प्रूफ नहीं मिला है। तो क्या आपको लगता है एलियन सच में एग्जिस्ट करते होंगे? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसमें लगभग 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं, जिनमें से 5 बिलियन से ज्यादा प्लैनेट्स हैबिटेबल हैं, यानी जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। ये हुई बस मिल्की वे की बात। यूनिवर्स में 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि प्लैनेट्स कितने होंगे। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि हम सच में अकेले हैं? सच में यूनिवर्स अपने आप में ही एक काफी खतरनाक और अनोखी जगह है, जहां हमें डायमंड प्लैनेट्स जैसी अजीब सी चीजें देखने मिलती हैं।
और ये जो इमेज आप देख रहे हो ये वोयेजर स्पेसक्राफ्ट से ली हुई इमेज है, जिसमें ये छोटा सा डॉट हमारी अर्थ है। तो जिन लोगों को ईगो प्रॉब्लम है उन्हें ये जरूर दिखाना कि आप बस एक छोटे से डॉट का एक छोटा सा हिस्सा हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।